पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियों का सामान्य परिचय। पृथ्वी गति करती है या नहीं, अपनी धुरी पर घूमती है या नहीं, इसके विषय में भी हम आप तो जानते हैं, पढ़े होंगे, लेकिन इसको बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है या नहीं, इस बात के भी कई प्रमाण हैं। एक दो प्रमाण ऐसे हैं जो ये बात को बताती हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, माने दिन रात का होना यह बताता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस वजह से हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर चक्कर ना लगाती, अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर ना घूमती या चक्कर नहीं लगाती, अपना या चक्कर लगाने का शब्द तो नहीं है, अपनी धुरी पर नहीं घूमती, तो जैसे यही है पृथ्वी, ग्लोब है, अगर सामने रोशनी पड़ी सूर्य की तो यहाँ इस भाग पे दिन होता और पीछे भाग पे रात, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन कारण सुबह होती है, दोपहर होती है, सायं रात होता है, फिर अगले पल वाला जो यह हिस्सा है, यह हिस्सा तब तक चलकर यहाँ जाता है सूर्योदय। तो माने एक हिस्से पे दिन, एक हिस्से पर रात, दिन रात का होना यह बात बताता है कि पृथ्वी, दिन रात का होना यह बताता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अब दिन रात का होना इस बात से स्पष्ट हो गया। अब जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो जब घूमने के कारण हम आप भी क्यों नहीं घूमते, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब वेगनर की थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तब तक ये जान लीजिएगा कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, मतलब परिभ्रमण और परिक्रमण काल, एक परिभ्रमण काल दोनों होने के कारण, तथा इसके कोर, अभी पढ़ेंगे हम लोग जब अंदर आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, तो पृथ्वी कोर का ठोस होना है, घनत्व लगातार बढ़ना, ऐसे कई ऐसे कारण या प्रमाण है जिसके कारण पृथ्वी घूमती तो है लेकिन हमें घूमता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आभास उसका नहीं हो पाता, उसका रीजन क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके और कौन कौन से कारण है वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है अपने धुरी पर। तो फिर इसके साथ क्या होता है, दिन रात की अवधि भी कम और ज्यादा होती है। तो जो दिन रात की अवधि कम या ज्यादा होती है, इसके लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं। तो पहली चीज है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो धुरी क्या है, देखिए पृथ्वी का किसी भी ग्रह के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, मिलाने वाले उसी को धुरी कहते हैं। तो उसी धुरी पर पृथ्वी क्या करती है, अपना चक्कर लगाती है, और दोनों को अक्षीय अक्ष कहते हैं, इसे उत्तरी अक्ष और दक्षिणी, तो अक्षीय होता है और इस पर घूमती है। उसके बाद अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इसके कैसे प्रमाण, भैया मौसम परिवर्तन होना यह बताता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगाती है, जिसकी वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। अब ये अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य का चक्कर लगाना, ये कौन सी है, तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां, परिक्रमण और परिभ्रमण। ये परिक्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है और परिभ्रमण क्या है, ठीक। तो परिक्रमण परिभ्रमण दोनों में अंतर है, दोनों के परिक्रमण करना माने सूर्य का चक्कर लगाना, परिभ्रमण माने अपनी धुरी पर घूमना, जिसे हम कहते हैं दैनिक गति, और एक होती है वार्षिक गति। माने पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाती है। किस पथ पर लगाती है, पथ कैसा है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, झुकी क्यों भैया, झुकी होने का कारण क्या है। जैसे दोनों गोलार्धों में जो दिन रात की अवधि होती है वो कम या ज्यादा होती रहती है, कम या ज्यादा होने की वजह से उसके दिन रात की अवधि में भी क्या होता है, अंतर आता है। वो अंतर कैसे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी या ग्लोब है हमारा। अब सूर्य कहाँ, सूर्य यहाँ से, मान लीजिए सूर्य चमक रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, जैसे इस स्थान में मान लिया हमने कि यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, जब सूर्य चमकेगा तो इस आधे हिस्से पे दिन होगा, आधे हिस्से पे रात। ऐसे भी जब ऐसे समझ लेते हैं ग्लोब पे, यह ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गई, जब सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, आधे हिस्से दिन आधे हिस्से पे रात, क्योंकि आधे भाग पे छाया पड़ जाएगा ना, इधर सूर्य किरणें जली, इधर से इस भाग पे दिन, इस भाग पे रात। तो जहां से दिन और रात अलग अलग होते हैं उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, जहां से दिन और रात की अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है। घूर्णन कार्य बेशक वो आगे आते हो, वह स्थान कभी दिन कभी रात, लेकिन जिस हिस्से पे दिन, हिस्से पर रात जहां से विभाजित होते हैं उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब प्रदीप्त वृत्त के साथ साथ देखिए, अब दिन रात की अवधि हमारे क्या है, क्या बराबर होती है, नहीं, दिन रात की अवधि में क्या है, अंतर है। अब इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि इसका मतलब है पृथ्वी झुकी हुई है, तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 अंश है, माने पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। देखिए ये ग्लोब है,
देख रहे हैं, ये भी झुकी हुई है। अगर सीधी होती तो कैसी होती? ऐसे होती। लेकिन क्या है, अपने धुरी पे देखिए, अपने अक्ष पे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। लेकिन इसके कच्छ से यदि कोई रेखा, इसके धुरी से यदि कोई रेखा गुजारा जाए, इसके कच्छी तल से, इसके तल से यदि कोई रेखा गुजारी जाए, तो उसका जो कच्छी कोण होगा या कच्छी सतह होगा वह कितना होगा? 66.5 टन का। इसका मतलब एक लाइन समझ लीजिए कि पृथ्वी का अपने धुरी पर जो झुकाव होता है वह 23.5 डिग्री है, लेकिन इस कच्छ के यदि कोई सरल रेखा गुजारी जाए तो वह क्या होगा? कच्छी तल या सतही तल कहलाएगा। अब कच्छी कोण कितना है? 66.5 टन से। कैसे? 90 में से 23.5 घटा दिया तो कितना बड़ा? 66। ठीक, तो हमें दो चीजें समझ में आया कि इसका जो कोणी झुकाव है वो कितना है, अच्छ पे झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री झुकाव, अच्छा पृथ्वी झुकी ना होती तो क्या होता? ये चीजें भी देखिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा पृथ्वी झुकी है। देखिए ये हो गया, मान लीजिए आपकी पृथ्वी यदि झुकी ना होती, यहां पे सूर्य होता तो क्या होता? इस दोनों गोलार्धों में किसी भी अक्षांश रेखा पे दिन रात की अवधि क्या होती? बराबर होती। जैसे यहां इतनी बड़ी दिन, इतनी बड़ी रात, इतनी बड़ी दिन, इतनी बड़ी रात। तो इससे क्या होता कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती, अगर झुकी ना होती तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर या एक समान होते दोनों गोलार्धों। किंतु ऐसा नहीं है, हमारे यहां दिन और रात की अवधि बदलती रहती है। कभी दिन बड़ा रात छोटी, कभी रात बड़ा दिन छोटी, कभी दिन रात दोनों बराबर। तो जो ये चीजें हैं वह किसकी वजह से? पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण। तो प्रश्न उठता है, अगर झुकी ना होती तो क्या होता? उत्तर आपको पता है कि दिन रात की अवधि बराबर होती दोनों गोलार्धों में। अब देखिए झुकी होने का मतलब ये पृथ्वी को झुका दिया गया। झुकाया कैसे गया देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए ये पृथ्वी है, ठीक। पहले तो जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी कहां थी? यहां थी, यहां थी। अब क्या होता है, इसी को झुकाने का मतलब क्या है? ये देखिए ये तो झुका गई है, अब ग्लोब को जब झुका देंगे तो यह कोण कहां आ जाएगा? देखिए ये यहां आ जाएगा, ठीक। अब जब यहां आ गया इसका मतलब क्या हो गया? देखिए डट 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 डट, ये 23.5 डिग्री झुक गया। अब जब ये झुक जाएगा तो जो कर्क रेखा था, देखिए अब ये रेखाएं इस तरह से हो जाएंगी, ये देखिए देख रहे हैं आप, इस तरह से हो जाएंगी। अब जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो भैया आधे ने हिस्से पे पड़ेंगी, तो आधे हिस्से पे दिन और आधे हिस्से पे रात। लेकिन देखने को क्या मिलता है, जो अचानक चीजें हैं वो ये है। देखिए अब देखिए यहां पे अब सूर्य किरण देखिए सीधी पड़ रही है इस हिस्से पे, तो देखिए इस हिस्से पे इतना बड़ा दिन, रात क्या है? इतनी छोटी। उसके ऊपर देखिए दिन बड़ा और रात छोटी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, ये देखिए दिन इतना छोटा और रात इतनी बड़ी, और यहां देखिए दिन इतना बड़ा रात इतनी छोटी। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी झुकी होने के कारण दिन रात की अवधि में अंतर आता है, यह अंतर बदलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी क्या करती है, जैसे ये सूर्य है तो ये देखिए अपनी धुरी पर घूमते हुए क्या करती है, यह सूर्य का भी चक्कर लगाती है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे परिवर्तन होता है, कैसे दिन रात बड़ा होता है, इस बात को भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन हमें क्या स्पष्ट हुआ, हमें जो स्पष्ट करना था वह कि पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। झुकी होने के कारण दिन रात की अवधि में अंतर आता है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक है परिभ्रमण और एक है परिक्रमण। परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है, ये इसको अलग अलग बिंदुओं में अलग अलग वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि दैनिक परिवर्तन मौसम कैसे होता है या उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे दिन रात की अवधि बराबर होती है, उसका क्या फर्क पड़ता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी में घूमती है तो घूमने कारण ये भूमध्य रेखा तो रेखा से परिचित हो ही चुके हैं, तो भूमध्य रेखा से दूर तरफ ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के मान बढ़ता है घटता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यह क्या था, बस आपको यह परिचित हमें जो परिचय कराना था वह यह कराना था कि पृथ्वी अपने धुरी पर जिसकी गतियां हैं उसकी गतियों का परिचय यह है कि भूमध्य रेखा पे गति ज्यादा होती है, ध्रुवों की तरफ जाने पर गति कम होती है, बीच में यहाँ 1670 होती थी, 1250 होती, इस तरह से मतलब जो जो ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं उसके गति में भी अंतर आता है। लेकिन ये कैसे आता है ये हम लोग अगले क्रम की वीडियो पढ़ेंगे तब सीखेंगे, लेकिन तब तक इतना जान लीजिएगा प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दिन रात छोटा बड़ा जो होता है उस
किस कारण दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि में अंतर आता है, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यह मैंने आपको बता दिया और यह पढ़ा दिया, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं, इलेनिंग विद दुर्गेश पे, अथवा फेसबुक पे भी इलेनिंग विद दुर्गेश सर्च करके फेसबुक पे से भी जुड़ सकते हैं। और अभी सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, इसी क्रम में लगातार हम ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे। मेरा उद्देश्य है आप अगर भूगोल नहीं जानते तो भी भूगोल आप मेरे साथ सीख लेंगे और भूगोल से पूरी तरह परिचित हो जाएंगे। तब तक आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा, निरंतरता ही सफलता की सबसे अहम और महत्वपूर्ण कुंजी होती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।